दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से, और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नैपसीड के एक ऐसे सीक्रेट इफेक्ट की जो शायद आपको मालूम भी नहीं था कि आप एक्चुअली में क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअली में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, पर वी विल क्रिएट दिस सीक्रेट इफेक्ट इन स्नैपसीड यूजिंग अ फोन। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आई विल जस्ट क्विकली टेक माई फोन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट एडिटिंग। तो सबसे पहले अपना स्नैपसीड ओपन कर लो। ओपन करने के बाद में ऑल यू विल नीड इज जो आपका फोटो आपको एडिट करना है उसको सेलेक्ट कर लो। तो मैं ये फोटो यूज कर रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने के पहले एक बार ट्यून इमेज में जाके छोटी मोटी एडिटिंग कर लेता हूँ कि मतलब क्या क्या चीजें आपको हल्की सी एडजस्ट करनी है वो कर लो, बाद में करोगे तो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा फोटो के ऊपर। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वी विल नीड इज जिस कलर की आपको पेंटिंग करनी वो आपको कलर चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि मैं व्हाइट बॉर्डर्स कर रहा हूँ तो मैं कर्व में गया। कर्व में जाने के बाद में मैंने इसको कर्व को ना ऊपर कर लिया पूरा, ताकि पूरा व्हाइट हो गया। तो मुझे सेम साइज का व्हाइट फोटो दोबारा से बाहर से लेने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसी चीज को सेव कर लूंगा ताकि मेरे पास में सेम साइज का व्हाइट फोटो एक बार पूरा व्हाइट लेयर के साथ में सेव हो गया। अब वापस जाएंगे सेंटर वाले ऑप्शन में, और सेंटर वाले ऑप्शन में जाने के बाद में हम जाएंगे अब डबल एक्सपोजर में। डबल एक्सपोजर में जाके उसी फोटो को जो व्हाइट वाला आपने सेव किया है उसको जहां सेव किया है वहां से ढूंढते हैं, तो यहां पे है और इसको कर लिया मैंने इसके ऊपर ओवरलैप, और इसकी ओपेसिटी को कर दिया 100। अब कर दूंगा इसको ओके। ओके करने के बाद में मैं जाऊंगा कहां पे, जो ऊपर आपको ये स्टैक वाला ऑप्शन मिलता है वहां जाके व्यू एडिट में जाके डबल एक्सपोजर में सेंटर वाला ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे स्टैक ब्रशेस में, और डबल एक्सपोजर को 100 रखते हुए आपको एकदम जूम इन करना है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और अब आपको करना है एकदम आउटर एरियाज में पूरा जूम इन जितना कर सकते हो उतना करना। ज्यादा करोगे तो मोटा मोटा सा लेयर होगा, और जितना जूम इन कर सकते हो उतना करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वहां पे बॉर्डर में करना है पेंट। ये क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो आप डबल एक्सपोजर की जो इमेज आपने ऊपर से उठाई है, जो इसके ऊपर ओवरलैप करी है, वो यहाँ पे जहां जहां पे आप इसको ड्रॉ करते हैं वहां पे वो डबल एक्सपोजर वाली इमेज यहाँ पे आती है, जो कहीं ना कहीं इफेक्ट देती है कि आप इसके ऊपर पेंट कर रहे हो। ये पर्टिकुलर चीज डबल एक्सपोजर का ही पार्ट है, पर अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट ट्राइड दिस एवर। बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता है कि डबल एक्सपोजर की पॉसिबिलिटीज यूज करने की कितनी ज्यादा है। मैं यहाँ पे नीचे पेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि वो इमेज पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इस वजह से मैंने नीचे छोड़ा है उसको, ताकि वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूशन में हो। अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो इसी डबल एक्सपोजर के नंबर को जीरो करके आप वापस से उसके ऊपर वापस से रीपेंट कर दीजिए। ये करने के बाद में जो बालों वाला एरिया है यहाँ पे एकदम मोटा माटी में एक थोड़ा सा ड्रॉ करते करते बना रहा हूँ, और जैसे आप ये चीज कर देते हैं जूम आउट करिए, और दिस इज हाउ योर सब्जेक्ट इज लुकिंग नाउ। अगर आपको यही रिजल्ट ओके लगता है तो जस्ट सेव दिस फोटोग्राफ। अगर आप नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताता हूँ वो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो मैं करने वाला हूँ वो ये कि मैं एक बार लेंस ब्लर में जाऊँगा। मैं एक्चुअली में बैकग्राउंड ब्लर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लर की स्ट्रेंथ को एक बार ना छेड़ते हुए ट्रांजिशन जीरो कर देते हैं, और वो करने के बाद में एक बार ब्लर स्ट्रेंथ को पूरा बढ़ा देता हूँ। अब इसका जो साइज है ये लेंस ब्लर के इसको एकदम छोटा कर देता हूँ, और छोटा करने के बाद में इसको एक जगह प्लेस कर देते हैं ताकि जो ब्लर वाला अमाउंट है वो वहाँ पे ना आए। सेंटर में एक बार रख देते हैं, सेंटर में रख के प्रेस ओके। ओके करने के बाद में वापस स्टैक ब्रशेस में जाइए, व्यू एडिट में जाइए, वहाँ पे लेंस ब्लर के अंदर आप वापस आके वहाँ पे जिन जिन एरियाज में अब आपको ब्लर चाहिए अब आपको वहाँ पे पेंट करना है तो वापस से आपको जूम इन करना पड़ेगा। जूम इन करके आपको पेंट करना पड़ेगा। मैं इसी चीज़ को दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको सेम चीज़ देखने की जरूरत ना पड़े। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि आपके व्हाइट बॉर्डर के पास में जो आप ये ब्लर कर रहे हैं उसमें आपके पास में एकदम ग्रेइश ग्रेइश सा एकदम बॉर्डर नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं छोटा सा ग्लो दे रहा है फोटो को। ये इसलिए क्योंकि आपके व्हाइट बॉर्डर का जो ब्लर होता है वो यहाँ पे ये हल्का सा इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हैं, जो एक्चुअली मैं चाहता था, अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते तो आप लेंस ब्लर पहले कीजिए उसके बाद में व्हाइट बॉर्डर को पेंट कीजिए। मतलब जो मैंने प्रोसेस किया है आप उसको उल्टा कीजिए, पहले लेंस ब्लर उसके बाद में व्हाइट बॉर्डर। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ मिस्टेक्स मेरे से हो गई है यहाँ पे हाथ के पास में, तो इसको वापस से करने के लिए मैं वापस से जाता हूँ स्टैक ब्रशेस में। स्टैक ब्रशेस में जाके लेंस ब्लर वाले पार्ट में वापस से मैं पेंट कर दूंगा जीरो करके, तो ये जो चीज़ है ये वापस से एकदम सही हो जाएगी। एंड दिस इज द इफेक्ट आई लाइक। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो कर दो। एंड दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर, जो काफी कूल इफेक्ट लिखता है, जो आप स्नैपसीड में क्रिएट कर सकते हैं विदाउट इवन हैविंग अ फोटोशॉप या पिक्सआर्ट या और कोई भी सॉफ्टवेयर जहां पे आपको पेंटिंग अलाउ होती है। एंड दिस इज व्हाट इट इज इन दिस वीडियो। तो बस इस वीडियो में यही बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको पसंद आता है स्नैपसीड का ये सीक्रेट इफेक्ट, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया अभी तक तो कर लेना। अखिल एडिट को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड peace out।